प्रॉफिट जी ने 14 जनवरी 2024 को ही बता दिया था कि मंकी के द्वारा एक वायरस आएगा और भविष्यवाणी हुई पूरी। कैसा वायरस और आएगा और वो वायरस खतरनाक होगा और कई देशों पर हमला करेगा, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में जाएंगे। मंकी के थ्रू, जानवर के थ्रू आएगा और भविष्यवाणी हुई पूरी। देखिए, कोरोना के डर से अभी दुनिया उभरी भी नहीं थी कि अब मंकी पॉक्स का खतरा सामने आ गया है और ये कोरोना की तरह ही बहुत डरा देने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। प्रॉफिट जी ने दोबारा फिर 21 जुलाई संडे लाइव मीटिंग में की भविष्यवाणी। बहुत सारे लोग महामारी को फिर से देखेंगे, एक वायरस आएगा। बस आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर दया करे। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार का अलर्ट है। एयरपोर्ट अस्पतालों को अलर्ट किया गया, एयरपोर्ट और अस्पतालों को अलर्ट किया गया। राज्य सरकारों के साथ केंद्र की ये बैठक हुई है। प्रॉफिट जी ने 31 दिसंबर 2023 को नए साल को दी 2024 के लिए आने वाले समय के लिए चेतावनी। भूकंप पर भूकंप, तूफान पर तूफान, 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। भविष्यवाणी हुई पूरी। भूकंप के जबरदस्त झटके से सहम गया जापान। जापान में 7.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। जापान के मियाजाकी इलाके में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। समुद्र में 20 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठती हुई देखी गई हैं। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 18 जुलाई 2024 को की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी को। आने वाले समय में मुझे प्रभु ने दिखाया, बहुत बड़ा ट्रेन पलट गया और भविष्यवाणी हुई पूरी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात ट्रेन हादसा हो गया। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच में हुआ। बताया जा रहा है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। और प्रॉफिट जी ने दोबारा फिर 21 जुलाई संडे लाइव मीटिंग में ट्रेन के लिए की भविष्यवाणी। कोई कहेगा मुझे ट्रेन बताओ कहाँ गिरेगी। बस आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर दया करे जहाँ भी ये घटनाएं हो रही हैं। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस देर रात करीब 2:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन कानपुर के गोविंदपुरी से आगे पटरी से उतर गई। यात्रियों को बस के जरिए कानपुर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर धरती पर कोई भी विपत्ति भेजने से पहले अपने भविष्यवक्ताओं से बात करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को जो जो बातें बताई वो सारी सच हुई। आप भी विश्वास करें, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की प्रार्थनाओं से आपकी भी बड़े बड़े काम खुलेंगे। प्रार्थना कराने के लिए आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। गॉड ब्लेस यू ऑल।